नमस्कार, अम्मा की थाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी बनाना बहुत आसान है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, खोए की बर्फी से भी ज्यादा अच्छा लगता है, बनाने में बहुत कम समय लगता है। अगर आज का रेसिपी हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं नारियल की बर्फी बनाना। नारियल की बर्फी बनाने के लिए बहुत कम सामान की जरूरत पड़ती है। ये हमने 100 ग्राम गरी बुरादा लिया है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, एकदम बारीक वाला है। एक कप हमने दूध का मलाई लिया है, आधा कप हमने चीनी लिया है, एक पिस्ता हमने लिया है गार्निश करने के लिए। बर्फी बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है। अब हम गैस को ऑन करते हैं। अब हम पैन में मलाई डाल देते हैं। और चीनी डालकर इसको अच्छे से गलाएंगे। अगर आप और मीठा पसंद करते हैं तो चीनी और ले सकते हैं। इसको हम एक मिनट तक चलाते रहेंगे। अब हमारा चीनी अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें नारियल का गुरादा डाल देते हैं और इसको हम 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। अगर आपके पास नारियल गुरादा नहीं है तो आप गरी के गोले से बना सकते हैं। उसके लिए गरी के गोले को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर मिक्सी के जार में बिना पानी के पीस सकते हैं। अब हमारा 2 मिनट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। बर्फी जमाने के लिए हमने एक छोटा सा थाली लिया है। अब उसमें हम तेल लगा देते हैं। अब तेल हमने इसमें अच्छे से लगा दिया है। अब हम बर्फी को इसमें सेट कर देते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बनाने में 3 से 4 मिनट लगता है। ये बर्फी हमने बनाकर थाली में सेट कर दिया है। अब इस पर हम गार्निश कर देते हैं पिस्ता से। इसमें हम बादाम लगा देते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से गार्निश कर दिया है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये बर्फी हमने ठंडा होने के बाद कट करके प्लेट में लगा दिया है। आप इसे खा सकते हैं, मेहमान को भी खिला सकते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।